बन रही है रोटियां और यहाँ पर सब खा रहे हैं। अभी हम भी जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग और प्यारी सी सुबह के साथ एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। सो गाइज, आज के ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट अभी सुबह से। अभी सुबह सारे काम से मैं फ्री हो चुकी हूँ और बाहर बहुत अच्छी धूप लगी है, तब मुझे याद आया कि आज मैं ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। आज है संडे तो मैं आज पूरा दिन घर में होने वाली हूँ और दिन भर में जो भी होगा वो आपको ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना। तो चलिए करते हैं ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो आप सबसे पहले कान्हा जी से मिलिए। राधे राधे कान्हा जी। देखिए पूरे घर की मैंने अच्छे से सेटिंग भी कर ली है। बाहर बहुत अच्छी धूप लग, देखिए बाहर चेयर भी लेके आए थे धूप सेकने के लिए। अभी देखिए कितनी प्यारी धूप लगी है सामने से। और ये यहाँ पर काम कर रहे हैं कुछ खुदाई, तो इनके साथ हेल्प करने अभी मैं भी चलती हूँ उधर। आज थोड़ी सी खुदाई करेंगे यहाँ पर, थोड़ा ठीक करेंगे। आज हम फ्री है दिन भर में और बहुत अच्छी धूप भी लगी है, तो धूप में अभी काम करते मज़ा आ जाएगा। अभी मैंने ये ले लिया है पत्थर उठाने के लिए, एक ग्लव्स भी मिला है मुझे और इनसे आप मिल सकते हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या काम चला है? इस मिट्टी को प्लान प्लान करना है। ये पत्थर फटाफट से अभी उठा लेते हैं। ये देखिए उधर से मिट्टी यहाँ को फेंक रहे हैं। इस थोड़ा सा ही काम करने से मेरी पीठ में हो रही है दर्द शुरू, तो अभी मिट्टी थोड़ा फैला रहे हैं यहाँ पे। अभी बहुत सारी ढेर बची हुई है, वाली पूरी प्लेन करनी है। गाइस अभी ये यहाँ पर लेके आए रेडी, इसको भरेंगे तो इसमें टाइल लगा चला के मिट्टी को उधर फेंकेंगे। सो अभी भरते हैं रेडी को फटाफट। रेडी का टायर पंक्चर हो चुका है तो रेडी अभी चढ़ नहीं रही है, रेडी को बैक साइड से ले जाना पड़ेगा। रेडी को ऐसे बैक साइड से ले जाना पड़ रहा है क्योंकि आगे को नहीं चढ़ रही है। खाली चढ़ रही है। गाइस अभी मैं इनको लेके जा रही हूँ खाना गर्मा गर्म, तो मैं बैठ के खाएंगे। हेलो, कैसे बनी दाल? देखिए मिर्च और गोभी का अचार। लो गाइस अभी लंच हो चुका है और मैं अभी यहाँ पर बैठ गई हूँ धूप में और ये अभी अपने काम में दोबारा से लग गए हैं। देखिए इनको गर्मी लग रही है तो इन्होंने अपना अपर भी उतार दिया। अभी अचानक से बादल आ गए और ऐसी हवा चल रही है ठंडी ठंडी सी, ये देखिए। गाइज अभी मैं आ गई हूँ रूम में। अभी ना शाम के 3 बज रहे हैं, अभी तक हम काम कर रहे थे, अभी बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है। अभी मैं चाय बनाती हूँ, कुछ खा लेते हैं। ये बन रही है चाय, ये मैंने सुबह दूध बॉईल करके रखा था, चाय भी उबल चुकी है। ये लेके चलते हैं इनके लिए चाय। चाय, ये है मेरी चाय, रोटी और दाल। फटाफट से खाते हैं, भूख बहुत लग रही है। जब देखिए सनसेट हो रहा है उस वाली पहाड़ी से। तो गाइस ये है लास्ट रेडी, लास्ट रेडी अभी खाली करेंगे। लास्ट है ना ये, इससे करूं इससे ना, अभी लास्ट रेडी यहाँ से गिरेगी नीचे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पिछले कल आपने देखा हम लोगों ने बहुत सारा काम किया था, फिर हम लोग थक गए थे, फिर मैंने ब्लॉग भी कंटिन्यू नहीं किया था। अभी हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। आज हम लोग जा रहे हैं देवता जी के दर्शन करने, देवता प्रासर ऋषि और देवता बंशीरस जी के, क्योंकि हमारे साथ वाले गाँव में है देवता जी का हवन, तो हम वहाँ जाएंगे देवता जी के ब्रह्म भोज में भोज करेंगे। तो अभी हम लोग बस थोड़ी देर में रेडी होंगे फिर चलेंगे। हो गए तैयार? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राधे राधे जी। राधे राधे। आप कहाँ जा रहे हो अभी? मैं अभी लाल जी जा रहा हूँ। दीप्ता जी के पास कब आओगे? 12 बजे 1 बजे तक। ठीक है, फिर मैं कैसे जाऊँगी? स्कूटी में जाएगी। स्कूटी? गाइस अभी जा रहे हैं अपने काम से, फिर
ये आएंगे थोड़ा सा लेट, फिर मैं इनसे वहीं पे मिलूंगी, तब तक मैं अकेली जाऊंगी। तो गाइज मैं हो चुकी हूँ पूरी तैयार, पर मैंने बाल नहीं बनाए हैं क्योंकि मैंने लगाना है धाटू, तो अभी लगाती हूँ धाटू, फिर मैं पूरी तैयार। इस तरह से आज ना लाइट भी नहीं है गाइज, तो इसमें प्रेस भी नहीं किया मैंने, कपड़ों में भी प्रेस नहीं किया, और बैटरी भी लो होने वाली है फ़ोन में। आज सुबह सुबह मंडे के दिन ही लाइट नहीं है, तो इस तरह से मैं हो गई पूरी तैयार। आज ठंड बहुत ज़्यादा है, तो इसके साथ में अभी स्टॉल भी डालूंगी अभी। तो वहाँ से देखिए गाइज आ रही है बस, अभी मैं इसमें जाऊंगी फटाफट से। तो गाइज यहाँ देखिए मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बढ़िया, आप कैसे हो? क्या चला है ये? पर लाइट नहीं है तो यहाँ पे आए सारे आज। अच्छा, ये देखिए पवन, पवन पुत्र देखिए, पवन करण आएगा। ये देखिए गाइस ये बन रहा है धाम के लिए, बन रहा है धाम के लिए। लाइट नहीं है आज, मनु ने शटर बंद कर दिया है शॉप का, और अभी हम जाएंगे ऊपर देवता जी के पास। आज ना मौसम भी बहुत खराब है, देख सकते हो आप, थोड़ी देर में शायद बारिश भी आ जाएगी, पूरा बादलों से भर चुका है आसमान, बहुत ज्यादा ठंड भी है, तो मैंने स्टॉल भी ओढ़ी हुई है आज। तो चले मनु, मुंडी कहाँ रखे डाल के? मुंडी कहाँ है तेरी? मनु की मुंडी गायब हो चुकी है। तो चलिए अभी फटाफट हम चलते हैं गाँव की तरफ को, सभी हमारा वेट कर रहे होंगे बेसब्री से, ऐसा इनको लगता है पर ऐसा कुछ नहीं है। तो हम पहुंच चुके गांव में गाइस, ये देखिए जिंदू का घर है उधर, यहाँ से याद है आपको शादी के? हाँ, शादी में हम यहाँ पर डीजे में नाचे थे। तो आज के टाइम में देखिए यहाँ पर खेत में पूरे में मटर लग चुके हैं, और ये देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है गाँव का भी यहाँ से, बढ़िया। कितना अच्छा व्यू दिखता है सामने गाँव के, और यहाँ से NHPC कॉलोनी भी दिख रही है नीचे, बहुत बढ़िया, पहाड़ बहुत ही अच्छे। यहाँ पर चला है हवन सामने, यहाँ पे टेंट लगा हुआ है देवता इसके अंदर है। अभी हो रहा है हवन, संपन्न होगा कन्या पूजन का, और कन्या उधर बैठी हुई, छोटी छोटी भी कन्या बैठी हुई है उधर, तो हवन भी। ये हो रही है पूर्णावती, पूर्णावती ये हमारे पास है, हाथ किया हुआ हाथ में। हमें लगा दिया है हवन का टीका, मन का कसम पाटी घर आवे। गाइस हम प्रसाद खा रहे हैं, आपको दिया चुका है, अब खाइए, अब तो खाएंगे मिल। अच्छा,
देखिए गाइज इन्होंने बच्चों की तरह दो तीन बार मांग लिया, अभी देखिए कैसे खा रहे हैं। गाइज अभी हम फ्री हो चुके हैं हवन करके और हमारा टीका भी जो कि अच्छा लगा हुआ है। और हाँ हम यहाँ पर चिंतू के घर के आगे आ रहे हैं और चिंतू को बहुत मिस कर रहे हैं, चिंतू नहीं आए किसी वजह से, तो चिंतू को हम मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर हम दो ही है अभी जाएंगे हम ऊपर पीछे रोटी जहाँ पे रोटी बना रहे सारी लेडीज और गर्ल्स, कितनी सारी रोटियां बनानी है, बहुत सारे लोग हैं आज पूरे गाँव के, तो अभी रोटियां बना रहे हैं। चलिए मिलते हैं आपसे ऊपर, यहाँ पे बन रही है रोटियां, देखिए अभी भोज के लिए तो मनु आते ही यहाँ पर बैठ चुकी है, अभी तक तो ये आई नहीं थी, सारे गाँव वाले आए थे तो ये अभी आई है, तो ये काम करना पड़ रहा है अब इसको, अब बाकी रेस्ट करेंगे, मनु बनाएगी। देखिए अब भाभी जी अपना योगदान दे रही है, योगदान मौका मिलता है यहाँ सबको। ये देखिए हमारी गांव की लड़कियां बहुत काम करती है, रजनी का कोई एक्सप्रेशन नहीं है गाइस, रोटी से चेहरा छुपा रही है। शालू कहाँ गई आज? शालू जाट नीचे होगी काम करने लगी, चाय लाने गई हो? अभी यहाँ पर आ गई है शालू चाय लेके सबके लिए। हेलो हाय, शालू को याद कर रहे थे तो शालू चाय लेके आ चुके, देखिए ये है लेमन टी। और मनु की ड्यूटी अभी रोटी पकाने की हो गई है, तो इसकी तो अति हो गई उधर, रात से भर गई कैसी बनी है गाइस? बहुत अच्छी, कैसी बनी है गाइस? बहुत, बताओ जल्दी, पूछ रही है चीख चीख के, चीख चीख के पूछा जा रहा है चाय कैसी बनी है। नहीं तो चिंतू भी यहाँ पे रोटी बनाने होती थी एक जगह पे बैठी हुई। बन रही है रोटियाँ और यहाँ पर सब खा रहे हैं, अभी हम भी जाएंगे अगली लाइन में। Finally guys, ये है लास्ट रोटी और बाकी इधर पकाने रह गई, सबसे लास्ट रहेगी ये वाली बंदी क्योंकि इसके पास आएगी सबसे लास्ट तक रोटी। ये देखिए सबसे लास्ट होगी शालू क्योंकि पकनी लास्ट में रोटी। क्लैपिंग प्लीज, थैंक्स गाइज। अभी हम आए हैं यहाँ पर ब्रह्मभोज खाने, ये देखिए सभी लाइन में बैठे हैं, पत्तल भी मिल चुकी है इस साइड भी क्योंकि अभी कम लोग बैठे हैं, देखो ये वाली लाइन पीछे वाली तो खाली है अभी तक। और मेरे गाल ना रोटी पकाते पाते मतलब गर्मी से आग से लाल लाल हो गए यहाँ। अभी हमने खाना बनाया, हम खाना खाएंगे। हाँ हम पहुंच गए रोड में, अभी हम ना पैदल जा रहे हैं रोड से होके घर को, और आगे पापा जी भी चल रहे हैं। अभी ये देखिए ये भी है साथ में, अभी शाम की टाइम इनसे मिल सकते हो आप, अभी ये लेट आए थे ना तो अभी खाना खा के हम लोग चल पड़े अब घर। ये देखो गाइस पापा जी से मिल सकते हो, हेलो करो पापा जी, हेलो ऐसे करो। चला पांगनी क्यों गए थे? देवड़ी थी जप बो रहे पापा जी, तो अभी निकलते हैं हम घर की तरफ को, बस पता नहीं कब आएगी, तब तक हम पैदल ही चलते जा रहे हैं घर की तरफ को। तो गाइस फिलहाल इस ब्लॉग को भी करते हैं इधर ही एंड, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट करना गाइस आपको वीडियो अच्छी लगे तो, और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। अभी चलते हैं, बाय बाय, बाय बाय करो, बाय बाय गाइस, पापा जी भी करो बाय बाय, पापा जी बहुत स्पीड में चलते हैं, बाय बाय।